हाय गाइस, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में, जो दिन प्रतिदिन अपनी किसी न किसी घटिया हरकत की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, इस समय अमेरिका चाइना से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और अमेरिका सीधा आरोप लगाता है चाइना के ऊपर कि चाइना ने कोरोना वायरस को बनाया है और उसको अपने लोगों की सहायता से पूरी दुनिया में फैलाया है। आपका क्या मानना है इस बात को लेकर के, वीडियो पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, पिछले एक दशक में चीन का आर्थिक विकास अमेरिका से 7 गुना ज़्यादा रहा है, इसलिए चाइना हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहता है। नंबर दो, दुनिया के 85% बनावटी क्रिसमस ट्री और 80% खिलौने जो होते हैं वो चीन बनाता है, जो कि टोटल फेक होते हैं, जिनको आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज चाइना इन सब चीज़ों को जो चीज़ बनाने में उपयोग करता है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा केमिकल की होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, जो आपके बच्चों के हाथों में जा कर के उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। नंबर थ्री, चीन की 60% आबादी शहर की है और पूरे देश के लोगों की औसत आयु 37.3 साल की है। नंबर फोर, दुनिया भर में जहां अंडों को पानी में उबाला जाता है, तो वहीं चीन में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। ऐसा चाइना इसलिए कहता है कि पेशाब में अंडों को उबालने से अंडों के अंदर जो विटामिन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से असर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी हो जाते हैं, ऐसा चाइना का मानना है। आपका क्या मानना है, वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। दुनिया का सबसे पुराना कागज़ का टुकड़ा चीन में पाया जाता है, जो पहली सदी में देखा गया था, कुछ ईसा पूर्व पुराना है। यह कागज़ का टुकड़ा बहुत मजबूत है और किसी समय कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। चीन में रेशम के कपड़े से 3000 ईसा पूर्व बन रहे रेशम चीन को सैनिका नाम से जानते थे, इसका अर्थ है रेशम का देश। चीनियों के रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तरकीब छुपा के रखी हुई है। अगर कोई भी इस तरकीब को किसी और देश को बताने के मकसद से पकड़ा जाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है चाइना की तरफ से। चीन की एक बच्चा नीति के कारण लड़कियों की संख्या में भारी कमी आई थी। चीन में लड़कों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा है, इसलिए भविष्य में अनेकों नौजवान अपने लिए पत्नी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए चीन ने इस नीति को आने वाले समय में त्यागने का फैसला लिया है। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। कितनी घटिया हरकत है, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताना। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चाइना में है। ये साल में 2005 तक 99% खाली था, लेकिन चाइना जैसे जैसे विकसित होता गया वैसे वैसे चाइना की टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन विकसित होती रही। साल 2030 में चाइना के शहरों में जितनी आबादी होगी वह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश वाले अमेरिका की आबादी से कहीं ज़्यादा होगी। यानी कि ऐसा मानना है लोगों का, वैज्ञानिकों का, कि चाइना में जनसंख्या इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जितने सेलफोन्स अमेरिका में उपलब्ध हैं यानी कि जितने स्मार्टफोन्स आपको अमेरिका में होंगे टोटल, उससे कहीं ज़्यादा आबादी चाइना की केवल एक शहर की होने वाली है। इटली में ईसाई धर्म का जन्म हुआ था, फिर भी चीन में 5 करोड़ 40 लाख ईसाई रहते हैं और इटली में केवल 4 करोड़ 74 लाख। कितनी अजीब बात है, कितना स्ट्रेंज फैक्ट है ये, इसके बारे में जान के आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं, ये वहाँ का कानून कहता है, ये वहाँ के रीति रिवाज कहते हैं। चीन में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वो जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो हर समय किसी न किसी रोग से ग्रसित रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था जैसा कि आप सब लोग जानते हो, और आने वाले 20 साल तक की ऐसे ही बच्चे पैदा होते रहेंगे चाइना में, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। चाइना में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती हैं कि आपको नदी से डेड बॉडी निकालने के लिए नौकरी दी जा सकती है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। चीन की दीवार मानव द्वारा बनाई गई है, सबसे बड़ी चीज़ है जो कि अंतरिक्ष में दिखाई देती है। इसकी लंबाई लगभग 8,848 किलोमीटर है। लोगों का कहना था, वैज्ञानिकों का मानना था कि ये जो दीवार है चाइना की,
ये चांद से दिखाई देती है, लेकिन ये बात एकदम झूठ है। जब कुछ वैज्ञानिक हमारे चांद पर गए थे तो उन्होंने जब वहाँ से देखा तो वहाँ पे कोई भी चाइना की दीवार नहीं दिखाई देती है। तो ये बात एकदम झूठी है जो आपको बचपन से सुनने को मिल रही होगी। चाइना में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन को सीधा रखें, एकदम बराबर रखें, एकदम स्ट्रेट रखें। उनकी गर्दन नीचे अगर होती है तो उनको कठिन से कठिन सजा दी जाती है। तो पिन की सहायता से जब उनके गले में पिन भुक जाएगी, गले में पिन लग जाएगी, तो उनको नींद भी नहीं आएगी, साथ ही साथ उनकी गर्दन एकदम सीधी रहेगी। ऐसा चाइना में किया जाता है, जिसकी वजह से आज की डेट में कोरोना वायरस जो है वह चाइना से विकसित हुआ था और आज की डेट में पूरे देश में फैल चुका है। तो दोस्तों, ये थे चाइना के कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स जो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आप भी और ज़्यादा जानना चाहते हो इन सब फैक्ट्स के बारे में तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख देना पार्ट टू, तो मैं इस वीडियो का पार्ट टू ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।